एक्सेंट करने के लिए, अच्छा वे ऑफ टॉकिंग करने के लिए आज पहली टिप, ये है आर अल्फाबेट के ऊपर। ये पहली टिप है, अगर आप अच्छा एक्सेंट करना चाहते हैं, अच्छा बिहेवियर, अच्छे इंग्लिश अच्छे एक्सेंट में इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। इंग्लिश तो सब बोल रहे हैं, एक्सेंट ही है जो डिफरेंस पैदा करता है आपकी इंग्लिश में। ओके, कि आप अच्छी बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो पहले अल्फाबेट पर बात करते हैं जो है आर। ओके, तो क्या कहते हैं ब्रिटिश, और क्या होता है ब्रिटिश एक्सेंट में या इंग्लिश एक्सेंट में, कि आर शुडंट बी मोर प्रोनाउंस्ड एट द एंड ऑफ एनी वर्ड और सिलेबल। जब भी कोई वर्ड एंड हो रहा है, किस पे? आर पे, तो क्या रूल होना चाहिए? आर शुडंट बी मोर प्रोनाउंस्ड, आर को ज्यादा प्रोनाउंस नहीं करना है, ज्यादा आर की आवाज नहीं निकालनी है। कब? जब आर एंड हो रहा है किसी भी वर्ड पे या किसी भी सिलेबल पे। सिलेबल क्या होता है? अल्फाज का टुकड़ा। जैसे ब्यूटीफुल एक अल्फाज है, ब्यूटीफुल, इसके टुकड़े कितने हैं? तीन सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल, ये सिलेबल कहलाते हैं। इंटेलिजेंट एक वर्ड है, इंटेलिजेंट, इसके कितने सिलेबल हैं, कितने टुकड़े हैं? चार हैं भाई, इंटेलिजेंट, चार टुकड़े हैं। तो जब भी कोई वर्ड एंड हो रहा है या वर्ड का टुकड़ा यानी सिलेबल एंड हो रहा है आर पे, तो हमें आर की आवाज ज्यादा नहीं निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिखी है, हम बोलते हैं टीचर, तो ये आर जो है ना शुडंट बी मोर प्रोनाउंस, और ज्यादा प्रोनाउंस नहीं होना चाहिए। टीचर, नो टीचर। डॉक्टर, नो डॉक्टर। ट्रांसफर, नो ट्रांसफर। देखे ना, हम कहते हैं आई वॉन्ट टू डिलीवर टू पैकेट्स, और वो कह रहे हैं आई वॉन्ट टू डिलीवर टू पैकेट्स। कभी तो इवन आर को साइलेंट करके बिल्कुल एक ही तरह आवाज लगती है, फादर, मदर, ब्रदर, ट्रांसफर, डिलीवर, परफॉर्मर, लाइक दिस। सो नेक्स्ट वन इज सिलेबल। जब भी कोई सिलेबल एंड हो रहा है आर पे, तो जब भी हमें आर को साइलेंट करना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है नॉर्मल, एक वर्ड है ना, दो सिलेबल हैं, नॉर्मल, तो इसमें नॉर किस पे एंड हो रहा है? पहला सिलेबल आर पे। नॉर्मल इज अ वेरी नॉर्मल पर्सन, दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लास, दिस इज अ वेरी नॉर्मल रूल, नॉर्मल। इसी तरीके से देखें, इंटरव्यू एक वर्ड है, कितने सिलेबल हैं? तीन, इंटरव्यू। दूसरा वाला सिलेबल किस पे एंड हो रहा है? टर वाला, आर पे एंड हो रहा है, आर पे। तो ये आर शुड नॉट बी मोर प्रोनाउंस, इंटरव्यू, इंटरव्यू। International, international. Circle, circle. I was sitting in a big circle. Transfer, deliver. Teacher, doctor, father, mother. So this is the first rule. Whenever you are pronouncing, you want to pronounce, whenever you want to pronounce like a good accent, so you will have to follow these rules. The first rule, as I said, R shouldn't be more pronounced. R की आवाज ज्यादा pronounce नहीं होनी चाहिए। हम लोग करते हैं इसलिए तो difference आता है। हम लोग कहते हैं teacher, doctor, transfer. No, should be like teacher, doctor, transfer, brother, like this. Or syllable B, normal, international, not international, international. I was giving one interview, interview, like this. So this is the, these are the tips which can make your English comprehensive. Ye tips hain aapki English ko bahut acha bana sakti hain, mera way of talking ko aapke bahut acha bana sakti hain. I hope you understand. Please try to follow. Whenever you are pronouncing any word that is ending on R, you have to silent, or you shouldn't be more pronouncing the R. I hope you understand. Okay.